आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। बड़ी दुविधा की पल है मेरे सामने। एक तरफ कर्तव्य भाव से बंधा हुआ हूं, दूसरी तरफ दोस्ती का एक सिलसिला भावनाओं से भरा हुआ है। बीजेपी का अरुण अस्त हो गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया। राजनीतिक यात्रा साथ साथ चली। प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ गए सबसे बड़े मददगार। सदा के लिए टूट गई बीजेपी की परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने वाली कड़ी। कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। चिर निद्रा में लीन हो गए मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के शिल्पकार। बहरीन की धरती से भाई अरुण को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। We've had a fair share of career nationalists. Well, the CAG report has completely vindicated. कितने ऐसे अलगाववादी और हिंसक आंदोलन देखे। मौन हो गई बीजेपी की सबसे मुखर आवाज। अब कभी नहीं दिखेगा बीजेपी का वो संकट मोचन। वो महामानव थे, वो सुपर ह्यूमन थे। आज अरुण जी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। पूरे देश ने एक बहुत बड़ा नेता अरुण जेटली जी को खोया है। ये क्षति पूरे राष्ट्र के लिए है। हर बाजी जीतने वाले अरुण जेटली हार गए जिंदगी की जंग। श्री अरुण जेटली जी का जाना इतनी बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई करना मुश्किल रहेगा। अब अरुण के बगैर ही बीजेपी को चलना और बढ़ना सीखना होगा। बहुत अच्छे मंत्री थे, बहुत अच्छे वकील थे, उससे बड़े अच्छे इंसान थे। उसके जाने से कपूर्णी क्षति हुई है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हर दिल के दिल अजीज नेता अरुण जेटली अब इस दुनिया से चले गए। लंबे राजनीतिक जीवन में कई मंत्रालय संभाल चुके और पिछली मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली का लंबी बीमारी के बाद एम्स में निधन हो गया। एम्स से दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर 12:07 पर जेटली ने आखिरी सांस ली। दुखद प्रसंग है, मैं शोकांजलि हूँ, उनके परिवार को मेरी बहुत सिंसियर कंडोलेंसेस हैं और मैं समझता हूँ कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी बड़ी क्षति हुई है। सांस की तकलीफ के बाद जेटली एम्स में 9 अगस्त को भर्ती हुए थे, तभी से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। तब से अलग अलग विभागों के कई विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी सेहत की निगरानी कर रहे थे, लेकिन जेटली को बचा नहीं पाए। मेरे भीतर एक गहरा शोक, एक गहरा दर्द, मैं दबाए करके आपके बीच खड़ा हूं। वो अरुण जेटली, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आज ही उन्होंने अपना देश छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी से अरुण जेटली की दोस्ती जग जाहिर है। मुश्किल हालात में जो लोग प्रधानमंत्री मोदी और अरुण जेटली की दोस्ती की दास्तां भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे सारा देश अपने एक महान कानूनविद और बड़ा बदलाव करने वाले वित्त मंत्री के रूप में जेटली को याद कर रहा है। अरुण जेटली जी का निधन हम सबके लिए बहुत ही दुख की बात है, पूरे देश के लिए। और वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, बहुत अच्छे वकील थे, बहुत अच्छे वक्ता थे और बहुत अच्छे इंसान थे। और उनके जाने से देश में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है। पिछले साल मई में अमेरिका में जेटली का किडनी प्रत्यारोपण हुआ था।
खराब सेहत की वजह से ही वो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्री नहीं बने। लेकिन ये अंदाजा किसी को नहीं था कि इतनी जल्दी वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में ही थे जब जेटली का निधन हुआ। अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर वो सीधे दिल्ली चले आए। उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए जहाँ पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है, वहीं पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। मैं बराबर यह कहता रहा हूँ कि सचमुच अरुण जेटली जी जैसा व्यक्ति यह पार्टी के लिए भी एसेट है, गवर्नमेंट के लिए भी एसेट है और वह देश के भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट थे। वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह भी उस वक्त हैदराबाद में थे, लेकिन जैसे ही जेटली के देहांत की दुखद खबर मिली, शाह तुरंत दिल्ली आ गए। हम सब देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक सहन न होने वाला आघात हम सबको आज लगा है। जेटली की शख्सियत ऐसी रही जहां दलों की मतभेद की रेखाएं भी मिट जाती थी। उनके निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने शोक संदेश में कहा, सार्वजनिक शख्सियत, सांसद और मंत्री के रूप में जेटली ने लंबी पारी खेली। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जेटली का पार्थिव शरीर उनके निवास पर रखा गया है, जिसे रविवार सुबह 10 बजे बीजेपी दफ्तर ले जाया जाएगा। फिर निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा।